स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक नए वीडियो के अंदर। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने न्यू अपडेट एंड न्यू अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। गजब, वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड इस वीडियो में जितने भी सारे अपडेट एंड न्यू अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो सभी के सभी इतना ज्यादा यूनिक है कि हमारे बीआर रैंक एंड उसके बाद जितने भी सारे इवेंट आने वाले हैं सभी में आपको चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं। एंड न्यू कैरेक्टर के साथ साथ बहुत से अपकमिंग इवेंट्स जो कि हमारे गेम के अंदर आने वाले हैं उन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला अपडेट है वो होने वाला है हमारे बरमूडा मैप के अंदर। एंड बरमूडा मैप के अंदर कोई एक ऐसा प्लेस है जिसे चेंज करके भूतिया प्लेस बना दिया जाएगा। टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों, वो प्लेस पहले से ही भूतिया था, बस उसे रियल टाइप का बना दिया गया है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है देख सकते हो, कुछ इस तरीके का जो हमारा ग्रिगयार्ड का सीन था, हमारा प्लेस था, वहाँ पर कुछ इस तरीके का डेकोरेशन करके उसे भूतिया बना दिया गया है। जहाँ पर ऊपर की साइड में देख सकते हो एक बड़ा सा पुतला, ये भूत वाला आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जिसे बच्चे देखकर बिल्कुल डरने वाले हैं। दूर से देखने में ये वाला प्लेस काफी ज्यादा यूनिक लगने वाला है एंड अंदर से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखने वाला है। देख सकते हो क्या ही मस्त व्यू बनाया गरेना फ्री फायर ने इसका, एंड पूरा का पूरा लुक ही चेंज कर दिया है ग्रेवयार्ड का। यहाँ पर इसका डेकोरेशन काफी ज्यादा यूनिक है। और यहाँ पास में आ जाओगे यहाँ पर एक आपको यहाँ पर दिखने के लिए मिलेगा, एंड उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ इस तरीके का डेकोरेशन करके पूरा का पूरा घर का कलर ही चेंज कर दिया है। क्या ही मजेदार अपडेट आने वाले है गाइस, मजा आया। तो दोस्तों अभी आपने जो देखा वो था हमारा पहला अपडेट एंड दूसरा अपडेट इससे भी ज्यादा यूनिक होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। एंड बहुत मेहनत लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो हमारा अगला अपडेट आता है हमारे बरमूडा मैप के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ फैक्ट्री के अंदर बहुत ही बड़ा अपडेट आने वाला है। यहाँ पर चारों तरफ आपको स्नोफॉल देखने के लिए मिलने वाला है एंड ये इवेंट आपको अपडेट के बाद दिख जाएगा। एंड चारों तरफ फैक्ट्री पर आपको स्नोफॉल देखने के लिए मिलने वाला है। और इसके साथ साथ आप इसे जितना भी तोड़ने का प्रयास करोगे ये टूटने का नाम ही नहीं लेगा। लेकिन फैक्ट्री के नीचे वाला जो परत होगा उसे तोड़ने का गलती आप मत करना, नहीं तो आप नीचे गिर जाओगे। और हाँ, ये सब इवेंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने फ्रेंड के साथ भी इस सभी इवेंट को शेयर कर सको, क्योंकि उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि फैक्ट्री के अंदर क्या क्या अपडेट आने वाले हैं। एंड जितने भी सारे ग्लू यहाँ पर लगे हुए हैं सभी को आप तोड़ सकते हो, तोड़ने के बाद इनेमी को मार भी सकते हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हाँ, पूरा का पूरा लेटेस्ट न्यूज है। एंड इसके साथ साथ और भी अपडेट है जो कि आपको बरमूडा मैप के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। देख सकते हो इस घर के आसपास पूरा का पूरा बर्फ का चट्टान है, इसको सबसे पहले आपको तोड़ना होगा। तोड़ने के बाद ही आप इसे लूट सकते हो, जो कि हमारा न्यू अपडेट में आपको देखने के लिए मिलने वाला है दोस्तों। गजब। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कुछ और भी अपडेट है जो आपको जानने चाहिए, जैसा कि हमारा एयर ड्रॉप के चारों तरफ भी आपको स्नोफॉल से गिरा हुआ एक कवच दिखेगा, उसे आपको सबसे पहले तोड़ना होगा। जैसे ही आप उसे तोड़ दोगे, तोड़ने के बाद उसमें जितने भी सारे गन्स होंगे वो सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं अपने न्यू कैरेक्टर एबिलिटी के बारे में, जो कि हमारा फ्री फायर अपडेट के बाद आपको न्यू कैरेक्टर देखने के लिए मिलने वाला है फीमेल का। तो कौन सा फीमेल का कैरेक्टर होने वाला है एंड उसके अंदर क्या एबिलिटी होने वाली है वो सब कुछ आज के वीडियो में चलो हम आपको बताते हैं। दोस्तों फीमेल कैरेक्टर का नाम है लीला एंड कैरेक्टर के अंदर आपको चार स्लॉट देखने के मिलने वाले हैं। जो फर्स्ट स्लॉट है उसमें आपको कुछ अलग रिवार्ड देखने के मिलेगा, सेकेंड वाले में कुछ अलग, थर्ड में अलग एंड फोर्थ में कुछ अलग होगा। फर्स्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा वो सब कुछ बताने वाले हैं। तो पहले में क्या होगा कि आपको बीआर में एंड सीएस में 10 एंड 5 के लिए आपको कुछ रिवार्ड दिए जाएंगे जो कि ग्रैंड प्राइज में होंगे, जो कि आपको इनहेलर लाइक यहां पर कुछ भी हो सकता है। क्वाइन के साथ साथ कुछ और भी रिवार्ड्स आपको गेम के अंदर मिल सकता है अगर आप ये वाला पहला वाला फ्लोट लगाकर खेलते हो। और इसके ड्यूरेशन की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया बीआर में आप 10 सेकंड के बाद आपको हर 10 सेकंड के बाद आपको कुछ ना कुछ प्राइज देखने के लिए मिलेगा, सीएस में 5 सेकंड के बाद आपको कुछ ना कुछ प्राइज देखने के लिए मिलते रहेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो दोस्तों दूसरे स्लॉट का नाम है डिफेंडर गैजेट एंड इसमें आपको ग्लूवल की जो ड्यूरेशन है उसे 200 एचपी और भी बढ़ा दिया जाएगा। मतलब सामने वाला बंदा अगर आपकी ग्लूवल को तोड़ता है एंड तोड़ते तोड़ते उसे 200 एचपी तक और ही फायर करना पड़ेगा, मतलब उसका बुलेट जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा लगेगा। एंड अगर आप उसने 25 सेकेंड के अंदर उस ग्लूवल को नहीं तोड़ा तो जो आपका ग्लूवल है वो फिर से रिकवर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा अपडेट होने वाला है। तो दोस्तों तीसरे फ्लोर के अंदर स्कैनर गैजेट होने वाला है, मतलब 10 मीटर के अंदर जितने भी बंदे होंगे उन सभी के ऊपर आपको एक मार्क दिखाई देगा जहां पर आपको पहचान लगेगी कि बंदे कहां पर है। एंड जो भी बंदे 30 मीटर के रेंज में होंगे उन सभी के ऊपर यहां पर मैप में आपको रेड कलर का आइकन दिखेगा, जिससे आप पहचान पाओगे कि बंदे कहां पर सर्वाइव कर रहे हैं। ओह माय
तो बात करते हैं अपने सबसे लास्ट वाले स्लॉट के बारे में, जो कि होने वाला है वैकिंग गैजेट। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है कि ग्लूवल बहुत ही जल्द टूटेगा, एंड अगर ग्लूवल के आसपास बंदा 5 मीटर के रेंज में रहेगा तो उसको 30 का डैमेज पड़ने वाला है। यानी बहुत बार देखा गया है जिसमें 40 का भी डैमेज पड़ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से उसमें मेंशन किया गया है वहां पर 30 का डैमेज बंदे को पड़ेगा अगर वो 5 मीटर के रेंज के अंदर उस ग्लूवल के आसपास भी रहता है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड ऐसे ही अपकमिंग इवेंट्स एंड फ्री फायर के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड मिलते हैं आपका भाई फिर से ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।